चुके हैं रातापानी जंगल रिसॉर्ट। तो चलिए इंटर करते हैं, हमारी पूरी टीम अंदर है। तो आज हम पूरी एक्टिविटी की हम लोग रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, मतलब फुल ब्लॉग आने वाला है। तो ये है रातापानी रिसॉर्ट। तो यहाँ आप रूल्स पढ़ सकते हैं, रूल्स क्या है। तो यहाँ पे आप जंगल सफारी भी कर सकते हो, बाकी यहाँ पे शायद परमिशन लेनी पड़ती है रिकॉर्डिंग के लिए। तो हम लेते हैं परमिशन और फिर अपन स्टार्ट करते हैं आगे की एक्टिविटी का क्या रहेगा। तो मैं आ चुका हूँ अंदर और ये रातापानी रिसॉर्ट। ये आप देखिए, अब देखने में ही बहुत ही लाजवाब लगेगा। अभी मैं एक बार अंदर घूम के आया हूँ, तो बाकी ये आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप यहाँ विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। और बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। बाकी ये सामने रिसेप्शन, तो आप रिसेप्शन में विजिट कर सकते हैं। और रिसेप्शन भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। ये भैया रिसेप्शन में रहते हैं। और ये देखिए, मतलब ये सोचो कि और आपको इंटर करते ही यहाँ माता जी के दर्शन हो जाएंगे। ये हमारे प्यारे भोलेनाथ, तो आपको इंटर करते ही भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए यहाँ पे। और आगे चलते हैं, आगे यहाँ से देखिए। अब जैसे थोड़ा इंटर करेंगे आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिसॉर्ट देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ कुछ काम चलते रहते हैं, मतलब पानी पौधों को देना। और ये बैठने की व्यवस्था देखिए, आपको पेड़ों के बीच में ऐसा बैठने की व्यवस्था बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगी। और जैसे यहाँ पे है, यहाँ पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो 2-3 दिन पहले आपको पहले बुकिंग करानी पड़ेगी और फिर आपको यहाँ एंट्री मिलती है। विदाउट बुकिंग आप यहाँ पर न आइए। और पहले बुकिंग जिनसे करवाना है उनका मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके इजीली विजिट कर सकते हैं। तो मेरी टीम अभी आगे है, तो बाकी आप यहाँ का सीन देखिए। और आज फुल हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं। तो और ये यहाँ पे आप यहाँ बैठ कर खाना खा सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ दोपहर का खाना मिलता है, और अभी उसका व्यू, उसका रिव्यू मैं करूँगा कि मतलब खाने होने का क्या है, कैसा है यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं आगे और इन्जॉय करते हैं अपने टीम के साथ में। ये है स्विमिंग पूल, ये क्या है, छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। तो आप चाहो तो स्विमिंग पूल का यहाँ इन्जॉय कर सकते हैं। बाकी अपनी टीम वहाँ पे है, तो अभी चलते हैं। और स्विमिंग पूल भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। और ये है यहाँ के मैनेजर जो यहाँ पे बुकिंग देखते हैं। वाह यार, बैठने की व्यवस्था भी यहाँ बहुत अच्छी है। जंगलों के बीच बैठने की इतनी अच्छी व्यवस्था, मतलब आप नहा के आओ और नहा के आके आप सीधे इसमें लेट जाओ। और लालटेन वगैरह भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये रात में चलते हैं। तो ये छोटा सा स्विमिंग पूल, ये छोटा सा स्विमिंग पूल, और ये छोटा सा गार्डन, और गार्डन के जस्ट गार्ड है ये पूरी सी टीम, ये पूरी अपनी टीम। अब हम इन्जॉय करते हैं यहाँ पे, जितनी भी एक्टिविटी हो अपन करते हैं यहाँ पे। ये अपनी बच्चू है, ये छोटी परफ्यूनिस्ट है। इंट्रो देना है और कौन है? मुकेश। ये अपनी सारी टीम और मस्त मस्ती कर रहे हैं। ये सीनियर सर्जन झा सर और ये मैम, बाकी मस्त मजा है, मस्त इंजॉय कर रहे हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम चला सकते हो। ओ ओ ओ भाई लोगों, नहीं नहीं ऐसे आप लोगों को नहीं करना है भैया। ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये छोटी स्केल आ रहा, और ये हमारी टीम इधर सामने मस्ती कर रही है। तो हम थोड़ा सा आउट में हैं अभी,
और बाकी यहाँ एक छोटे कोटाइज भी हैं, मतलब आप यहाँ नाइट में स्टे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। तो ये यहाँ छोटे छोटे रूम भी हैं, तो आप यहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं और यहाँ आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं नीचे। तो ये सामने देखिए, ये आपको छोटे छोटे रूम यहाँ मिलते हैं नाइट स्टे करने के लिए। वाह यार मज़ा आ गया, मतलब ओवरऑल आप यहाँ पे आइए और आपको मज़ा ज़रूर आएगा, बहुत ही अच्छा प्लेस है। और मैं हूँ अभी रातापानी रिसोर्ट पे, ये रिसोर्ट में यहाँ नाइट स्टे करने के लिए छोटे छोटे रूम और अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे और देखते हैं नीचे साइड क्या है। तो यहाँ की झील देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको देखने में। और ये यहाँ विश्राम गृह, आप यहाँ समझ सकते हो इवनिंग में आप यहाँ चाय नाश्ते ब्रेकफास्ट आप ले सकते हो। तो ये यहाँ पे होती है बोटिंग। तो सामने देखिए, जैसे आप सामने देख रहे हैं, तो ओवरऑल मस्त व्यू है। तो यहाँ कुछ लोग एंजॉय करते हुए आपको दिख जाएगा नीचे। यहाँ बोटिंग कितने बजे शुरू होती है? 9 बजे से। मॉर्निंग मॉर्निंग में 9 बजे से, इवनिंग में 5:30 से। तो अगर आपको बोटिंग करना हो तो आप यहाँ आ जाओ और बोटिंग का मस्त एंजॉय करो, और ये पूरा चक्कर आपको लगा के यहाँ पे लाएंगे। तो अभी मैं आपको बोटिंग का चार्ज दिखाता हूँ, यहाँ सब अलग अलग, मतलब छोटे बोट का अलग है और बड़े बोटों का अलग है। तो ये बोटिंग का अलग अलग चार्ज है, तो आप चाहो तो इसमें, मतलब इसमें मिनट के हिसाब से है। अगर आपको पैडल बोट चाहिए तो 500, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2,
भी बेटर है। बाकी ये सामने देखिए, तो ओवरऑल मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया। और ये हम बोटिंग क्लब में अभी रहा था पानी के शॉर्ट के, तो ये सामने देखिए, सामने दो बोट रेडी हो रहे हैं और देखते हैं कब तक स्टार्ट होती है। तो ये यहाँ का जो व्यू है आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा देखकर। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है आपको हमेशा कुछ अच्छा दिखाने का, मैं कोशिश करूँ। तो सामने देखिए, सामने बोट ठोक रही है स्टार्ट, और जैसे स्टार्ट होती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फेरी विंकल रोम। सो भाई अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे खाना खाने, मतलब पूरी हमारी टीम यहाँ पे खाना खाने जा रही है। तो इंटर करते हैं स्कोर तो आ रहा है। तो ये सामने देखिए, मतलब सेल्फ सर्विस है, आप यहाँ प्लेट उठाइए और खाना खाइए। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं और फिर मैं फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि यहाँ खाना वगैरह कैसा है। तो बने रहे हमारे साथ और आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं। वाह मोहन भैया, अरे दिन को फुल्की कौन खाता है यार? ना मोहन भैया, दिन को फुल्की कौन खाता है? सब फुल्की फुल्की लेके चल रहे हैं। फुल्की कौन खिलाएगा भैया?
अब ठीक है, अब खुश। फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद यहाँ का ओवरऑल खाने की क्वालिटी जो है बहुत ही बिंदास है, और बाकी बैठने वैठने की व्यवस्था भी तो बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग देखने, बोटिंग के एक्चुअली मैं पहले गया था, अकेले गया था, अब विद टीम हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं बोटिंग एरिया साइड।